नोखा से बड़ी खबर है, तालाब में डूबने से चार बालिकाओं की मौत। बिहार से मजदूरी करने आया था परिवार और दो परिवारों ने खोई अपनी दो दो बेटियां। पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से मजदूरी करने आई परिवार में दो जो बालिकाएं थी, दो परिवारों की दो दो बालिकाएं ये तालाब में नहाने गई और उसके बाद वहां पर चारों बालिकाओं की मौत हो गई तालाब में डूबने से और दो परिवारों ने खोई अपनी दो दो बेटियां। नोखा से आपको एक खबर बता रहे हैं, बिहार से मजदूरी करने आया परिवार और दोनों परिवारों ने अपनी दो दो बेटियां खोई। नोखा से बड़ी खबर, तालाब में डूबने से चार बालिकाओं की मौत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पवन, हमारे संवाददाता। पवन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर है? तालाब में चार बालिकाओं की डूबने की जो खबर काफी आश्चर्यजनक है, और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी गुनगुन, नोखा के अंदर चार बच्चों की सामने आई थी, उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हुआ और वहीं मौके पर नोखा उपखंड अधिकारी व थाना अधिकारी भी पहुंचे और जैसे ही उसके साथ सहेलियां थी वो पानी लेने के लिए तालाब के अंदर गई थी, तालाब के अंदर दलदल के अंदर फंस गई तो सहेलियों ने बाहर से आवाज देकर दो तीन व्यक्ति मदद के लिए आए, मौके पर मदद पर पहुंचकर बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला और राजकीय अस्पताल भारतीय अस्पताल ले गया गया। वहीं पर मौके पर बच्चों की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, उसके बाद में परिजन एकत्रित हुए और बागरी हॉस्पिटल के अंदर सारे परिजन एकत्रित हुए और प्रशासन से कहीं ना कहीं मदद की मांग कर रहे हैं। तो इसी मौके पर नोखा के पूर्व विधायक जयलाल विष्णु ने भी लगातार बात की है, बात करके बताया कि इस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसके संदर्भ में 1-1 लाख रुपए की जो मांग है वो मांग प्रशासन पर सहमति बनी है। जी गुनगुन, शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए नोखा से आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार से मजदूरी करने आई चार बालिकाएं तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। बिहार से आई थी और यहां पर दो परिवारों ने अपनी दो दो बालिकाएं खोई और पुलिस ने फिलहाल शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। नोखा से बड़ी खबर।